अभी मार्केट में एकदम बढ़िया बढ़िया कच्चे कच्चे आम आ रहे हैं, पके भी आ रहे हैं, बट ऐसे में अगर आप आम का मुरब्बा ना बनाओ तो मज़ा नहीं आएगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कच्चे आम का खट्टा मीठा मुरब्बा, जिसे कि आप महीनों फ्रिज में स्टोर कर सकती हो एंड इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सौम्या और आप सभी को वेलकम करते हैं अपने चैनल पर। सो रेसिपी को एंड तक वॉच करिएगा, रेसिपी अच्छी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। सो मैंने यहाँ पर मुरब्बा बनाने के लिए टोटल 700 ग्राम के आसपास आम लिया है। आपको यहाँ पर बिल्कुल कड़े कड़े एंड जिसमें पल्प बहुत ज़्यादा हो, मतलब अच्छी क्वान्टिटी में हो, उसका यूज़ करना है। एंड जब भी आप कच्चे आम की कोई भी रेसिपी बनाते हो तो सबसे पहले मार्केट से लाने के बाद उसे कम से कम ओवरनाइट के लिए पानी में सोख करके छोड़ दो, क्योंकि आम में थोड़ी गर्मी होती है, वो बिल्कुल अच्छे से निकल जाएगी। तो मैंने इसे ओवरनाइट सोख किया है एंड जो ऊपर का पार्ट है उसे हम कट करके निकाल देंगे एंड आम को बिल्कुल अच्छे से हम छील लेंगे। तो चलिए, मैंने यहाँ पर आम को छील कर तैयार कर लिया है एंड अभी से हम कट करेंगे। तो आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कट कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर लंबा लंबा कट किया है। तो देख सकते हो मैंने सभी को कट करके तैयार कर लिया है एंड जो ये गुठली है इसका हम यूज़ बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो मैंने इसका आम पन्ना बनाया, तो मैंने उसका रेसिपी का लिंक आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार ज़रूर से ट्राई करना। तो कुछ भी यहाँ पर वेस्ट नहीं होने वाला है, सभी का हम यूज़ कर लेंगे। सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में पानी ऐड किया है। अप्रॉक्स आपको यहाँ पर 1.5 कप के आसपास पानी ऐड करना, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है। एंड जब पानी उबाल आना स्टार्ट हो जाए तो ऐड कर देंगे आम और ढककर पकाएंगे अप्रॉक्स 4 से 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो आम को यहाँ पर आपको सिर्फ 50% पकाना है, कम्प्लीटली नहीं पकाना, बिकॉज आगे जाकर भी आम बहुत अच्छे से पकेगा। तो चलिए, जब तक आम पकता है हम यहाँ पर चीनी तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर चीनी लिया है 300 ग्राम। आप चाहो तो यहाँ पर मिश्री का यूज़ कर सकते हो या फिर खांड का यूज़ कर सकते हो या फिर आप चाहो तो यहाँ पर गुड़ का भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप मुरब्बा बना रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप चीनी या फिर मिश्री का यूज़ करना। तो मैंने यहाँ पर चीनी को एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लिया है एंड बिल्कुल फाइन इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। तो चलिए, देख सकते हो मैंने पाउडर बना लिया है एंड एक बार आम को चेक कर लेते हैं। तो अप्रॉक्स 5 मिनट का टाइम हुआ है एंड देख सकते हो आम 50% के आसपास अच्छे से पक चुका है। तो अब हम आम को छान लेंगे एंड जो एक्स्ट्रा पानी है इसे नहीं फेंकना है, आप इसका यूज़ आम पन्ना में कर सकते हो जैसे कि मैंने किया है। तो आप वो वाली रेसिपी तो ज़रूर से चेक करना एंड चाहो तो आप इसका सिंपली शरबत बना के पी सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खटास है। ऐसे ही आप नॉर्मली चीनी और पानी ऐड करके पी सकते हो। तो चलिए, आम को ट्रांसफ़र करेंगे एक मिक्सिंग बॉल में एंड जो हमने चीनी पीस कर रखा था उसे ऐड कर देंगे और एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे एंड ढककर रखेंगे अप्रॉक्स 1/2 आवर के लिए। चीनी जो आम है उसमें बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ 1/2 आवर के बाद, देख सकते हो काफ़ी अच्छे से चीनी मेल्ट हो चुका है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर कढ़ाई में वापस से ऐड कर रही हूँ आम और चीनी एंड नेक्स्ट यहाँ पर फ्लेवर के लिए कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच के आसपास लिया है दालचीनी, छोटा छोटा मैंने तोड़कर ऐड किया है और साथ में 2 छोटी इलायची ऐड कर रही हूँ। इलायची को हल्का सा खोल कर ऐड करना है ताकि अच्छा सा फ्लेवर पूरे मुरब्बे में आए। और साथ में ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर सैफ्रॉन थ्रेड, 10 से 12 के आसपास मैंने यहाँ पर ऐड किया है, आप चाहो तो स्किप कर सकती हो। सैफ्रॉन थ्रेड ऐड करने से अच्छा सा फ्लेवर और साथ में अच्छा सा येलो एक कलर आएगा एंड चाहो तो आप यहाँ पर 2 से 3 पिंच के आसपास हल्दी ऐड कर सकती हो अगर आप सैफ्रॉन नहीं ऐड कर रहे हो तो। तो चलिए, सभी चीज़ों को अप्रॉक्स 7 से 8 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 50% पहले से हम पका हुआ था एंड जो यहाँ पर है हम 40% के आसपास और पका लेंगे। एंड अगर आप 100% पकाते हो तो आम बिल्कुल मैसी सा हो जाएगा, तो वैसा नहीं करना है। सो अब मैं आपको दिखा रही हूँ 5 मिनट के बाद, देख सकते हो पहले से कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक हुई है। तो वापस इसे 2 मिनट के लिए हम और पकाएंगे। तो इस मुरब्बे की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर से ट्राई करना, बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड अप्रॉक्स आप इसे महीने भर के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हो एंड बाहर में चाहो तो आप इसे 3 से 4 दिनों के लिए स्टोर कर सकते हो, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फ्रिज में ही स्टोर करना। ये रेसिपी बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, वो भी आपसे बिल्कुल मांग मांग के खाएंगे अगर उन्होंने एक बार इसे ट्राई कर लिया तो। तो मेरे घर पर आप एक बार ज़रूर से इसे घर पर ट्राई करना। तो फाइनली देख सकती हूँ मैंने आम के मुरब्बे को बहुत अच्छी तरीके से पका लिया है एंड मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि आप कितना तक इसे पकाना है। तो देख सकते हो एक तार की चाशनी बन गई है, इतना ही आपको पकाना है, इससे अगर ज़्यादा पकाओगे तो चीनी बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सो फाइनली मैं यहाँ पर आधा नींबू का रस ऐड कर रही हूँ, तो इससे जो क्रिस्टल बन जाता है, मतलब चीनी में कहीं कहीं क्रिस्टल जमने लगता है, वो वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको नींबू बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है एंड उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देना है। नींबू ऐड करने के बाद पकाना बिल्कुल भी नहीं है, वरना जो हमारा रेसिपी उसमें
कड़वापन आ जाएगा। एंड आप चाहो तो फ्लेम ऑफ करने के बाद भी नींबू ऐड कर सकती हो। तो बस मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया है एंड इसे ठंडा करके सर्व करेंगे। मुझे तो फिलहाल गर्म गर्म बिल्कुल नहीं पसंद है, एंड आपको अगर गर्म पसंद है तो आप इसे इंजॉय कर सकती हो। तो मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लिया है एंड ठंडा करने के बाद कंसिस्टेंसी थोड़ी और थिक होती है। एंड तो बस इसे हम सर्व करेंगे एंड आप इसे रोटी, चपाती, पराठा कुछ के साथ भी इंजॉय कर सकती हो, चावल के साथ भी खा सकती हो। एंड आप इसे फ्रिज में रखो अप्रॉक्स एक मंथ के लिए एयर टाइट कंटेनर में एंड बिल्कुल ड्राई करके रखना है ताकि जो हमारा ये आम का मुरब्बा बिल्कुल भी ख़राब ना पड़े। तो बस मैंने इसे बहुत कम चीज़ों से बनाकर तैयार किया है, तो आप भी इसे ज़रूर से ट्राई करना। एंड अगर रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो एंड चैनल पर ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम एक ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।